श्री शिवाय नमस्तु। देखो हर चीज का एक क्रम होता है। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने का भी एक क्रम होता है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? शंकर जी को बेलपत्र, जैसे वो सामने जलाधारी दिख रही है आपको, वो जलाधारी जो है पहली बेलपत्र शिव जी की जलाधारी पर चढ़ाना चाहिए। कहाँ चढ़ाना चाहिए? जलाधारी पर। दूसरी बेलपत्र जहां पर शिवलिंग, जो कटी पर शिवलिंग रखा है ना, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस कटी पर एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। चौथी बेलपत्र जहां भगवान शंकर का त्रिशूल रखा हो वहां चढ़ाना चाहिए। पांचवी बेलपत्र मंदिर से जब चलो तो नंदी के ऊपर चढ़ाकर फिर मंदिर से निकलकर जाना चाहिए, तो जो मनवांछित फल मांगो वो भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका, और एक साथ तुम चढ़ाते जाओ शिवलिंग के ऊपर ही ऊपर, तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, मना नहीं है। पर शास्त्र कह रहा है भगवान के चरण जहां से जल नीचे गिरता है वहां एक और तो गणेश जी का स्थान होता है, एक और कार्तिकेय का स्थान होता है। जहां कटी है वहां जगदम्बा पार्वती का स्थान होता है। जहां शिवलिंग विराजमान है वो शंकर जी का स्थान होता है। जहां त्रिशूल है वहां आनंद से भगवान के नंदीश्वरंगी का स्थान होता है। सामने नंदीश्वर के रूप में भगवान विराजित होते हैं। हम जब भगवान पर बिलपत्र समर्पित करते हैं हमारे कार्य की सिद्धि अपने आप हो जाती है। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, महाराज शंकर भगवान का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर आखा चावल मतलब सेक चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है मात्र दसवीं की तिथि के लिए। केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती मारती खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रम्भेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए। तो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, 1 पीपल का पत्ता डाल दीजिए। शमी के 11 पत्ते कलश को छुआ कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उधर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को, उस जल को सुबह दोपहर शाम 3 बार श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे अपने आप उधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रम्भेश्वर महादेव। जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपए कमा रहे हैं 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते यहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंडा जहां होता है मटका हंडा, या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर या गायत्री मंत्र का स्मरण कर जो मंत्र आपकी बुद्धि में विवेक में समाहित हो उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का।
और दक्षिण का मुख। जब जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर जाए और रुद्राक्ष लेकर वापिस सजा महाराज वापिस सजा। उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए, वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, एक मुखी से लेकर 14 मुखी, तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिए। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करिए।